अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आप मिठाई देख रहे हैं बहुत खूबसूरत लग रही है ना, और खाने का भी मन कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम पैसे में बिना गैस की जरूरत के बनने वाले मोदक है जो कि क्रीम बिस्किट से बनाए गए हैं। तो आप भी कम से कम समय में ऐसे खूबसूरत मोदक बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। इसमें मैंने क्रीम बिस्किट लिया है, 20 क्रीम बिस्किट लिए हैं और ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में लिया है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन के क्रीम बिस्किट आते हैं, जैसे कि ऑरेंज में क्रीम रहेगा और जो बिस्किट के जो कवर रहेगा वो ब्राउन कलर में रहता है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशन से ये बिस्किट ले सकते हैं और अच्छे से मोदक बना सकते हैं। इस तरह से आसानी से निकल भी जाते हैं, जिस तरह से मैंने अभी निकाला, और ये क्रीम निकाल लेंगे हम और जो बिस्किट है वो अलग साइड में रख देंगे। इस तरह से बढ़िया आसानी से निकाल लें और खूबसूरत मोदक इसके बनते हैं और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। बढ़िया, इस तरह से निकाल लेंगे और दोनों अलग कर देंगे। अब हमने ये जो बिस्किट लेना है और इसे मिक्सर के जार में डाल देना है और अच्छे से हमें इसे पीस लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। तो इसे हम कर लेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। बढ़िया, देखिए इस तरह से मैंने फाइन पाउडर कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं बिस्किट के, इसीलिए हम इसे अच्छे से छान लेंगे। जिस तरह से हम केक बनाते वक्त कैसे उसे छान लेते हैं ना, जो पाउडर जो रहता है उसका, चॉकलेट का जो पाउडर रहता है उसे अच्छे अच्छे से छान लेते हैं, उस तरह से हमें इसे भी अच्छे से छान लेना है। बढ़िया, ये देखिए कुछ ना कुछ पार्टिकल रह ही जाते हैं, तो इससे हमारे जो मोदक है बहुत ही स्मूथ बनेंगे। बढ़िया, ये हो गया। अभी हमें इसमें दूध डालना है। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, और कड़क डो बनाना है हमें, इसका सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। कड़क डो बनाने से क्या होगा, जो फिनिशिंग रहेगी मोदक की वो बहुत अच्छे से आएंगी और बहुत ही सुंदर हमारे मोदक दिखेंगे। बढ़िया, इस तरह से देखिए कड़क डो बना ले और इसे हम साइड में रख देंगे अभी। और ये जो हमने जो क्रीम निकाले थे इसका भी हम डो बना लेंगे। इसमें आप जो नारियल का बूरा है वो भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स नहीं किया था। अब हमें इस तरह से मोदक का मूड ले लेंगे हम। बहुत बढ़िया, आप किसी भी तरह का मोदक का मोल्ड ले सकते हैं। ये भी लास्ट टाइम मैंने जब बेसन के मोदक बनाए थे तो इस मोल्ड से बनाए थे, अभी मैं चाहती हूँ इस मोल्ड से बनाऊँ, तो मैं इस मोल्ड से, आप किसी भी मोल्ड से बना सकते हैं। और उसे ग्रीस कर ले घी से, मैंने उसे घी लगा लिया, और अब उसमें हम ये जो अपना ब्लैक कलर का जो डो बनाए थे कड़क वाला उसमें डालेंगे। और इसमें ध्यान रहे कि उसमें डाल के हमें थंब से उसे आजू बाजू पूरा प्रेस करना है और बीच में गड्ढा करना है, ताकि हम जो हमारी जो बीच की जो क्रीम है वो बीच में डालना है ना हमें, इसीलिए हम उसे थंब से बीच में गड्ढा करेंगे और इस तरह से देखिए क्रीम भरेंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और फिर ऊपर से हम एक छोटी सी पपड़ी उसी साइज़ की, अपने मोदक के जो साइज़ है लास्ट में उसके साइज़ की एक पपड़ी बना लेंगे और ऐसे चिपका देंगे। बहुत ही बढ़िया, और फिर खोलिए, इसे खोल देंगे तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा मोदक बन के रेडी हो गया है, और बहुत ही कम पैसे में, ना गैस लगी है हमें ना कुछ, बहुत ही सुंदर। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।